कैफे में पोछा लगाने से उसका मालिक बनने का बाबूराव का सफर। आज की हमारी कहानी है हैदराबाद के मशहूर कैफे नीलोफर के मालिक अनुमुला बाबूराव की। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले के एक छोटे से किसान परिवार में हुआ था। शुरुआत का इनका जीवन काफी मुश्किलों भरा रहा। वो एक ऐसे परिवार से संबंध रखते थे जहां दो वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल होता था। पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है, लेकिन बाबूराव ने अपने जीवन में आगे बढ़कर एक नया मकाम हासिल किया। आज हम बाबूराव जी की सक्सेस स्टोरी लाए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। बाबूराव ने पांचवी तक की पढ़ाई अपने चाचा के साथ महाराष्ट्र के चंद्रपुर में रहकर की। इसके बाद एक हॉस्टल में रहने लगे जहां की रहने खाने की फीस 100 रुपए थी। वहां पर 5 गरीब बच्चों को मुफ्त रखा जाता था। बाबूराव भी उनमें से एक थे। उन्होंने कपड़ों के शोरूम में काम करना शुरू किया। 10वीं की पढ़ाई के लिए उन्हें 100 रुपए की जरूरत थी। उनके पिता ने अपनी गाय बेचकर उन्हें पैसे दिए ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। 1975 में बाबूराव हैदराबाद चले गए। कई दिनों तक वहाँ नामपल्ली स्टेशन पर रहे। कुछ दिनों तक कपड़ों के स्टोर पर काम किया। उसके बाद उन्होंने 8 महीने तक एक छोटे से होटल में नौकरी की। एक दिन जब वो काम कर रहे थे तो एक रेगुलर ग्राहक होटल पर आया और कहा, बाबूराव मैं होटल को खरीदने की सोच रहा हूँ, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? उस दिन के बाद बाबूराव की जिंदगी बदल गई और आज उस होटल को कैफे नीलोफर के नाम से जाना जाता है। 1976 में कैफे नीलोफर में पोछा मारने का काम शुरू किया, फिर वेटर का पद मिल गया। उसके बाद किचन में शिफ्ट कर दिया गया। सिर्फ 2 साल के अंदर कैफे के मालिक ने बाबूराव के साथ एक एग्रीमेंट किया कि बाबूराव इस कैफे को चला सकते हैं और जो भी कमाई होगी वो उसे रख सकते हैं, लेकिन हर महीने एक फिक्स अमाउंट उन्हें देना होगा। जैसे जैसे समय बीतने लगा कैफे नीलोफर पर लोग आने लगे। कभी कभी एक दिन में 400 कप चाय बिक जाती थी। देखते ही देखते हर दिन 20,000 कप तक चाय बिकने लगी। बाबूराव की मेहनत का ही नतीजा था कि कैफे नीलोफर दिन ब दिन तरक्की करने लगा। जल्द ही बाबूराव इस होटल से हर महीने 40,000 से भी ज्यादा का मुनाफा कमाने लगे। 1993 में उन्होंने कैफे नीलोफर को खरीद लिया। तो ये थी नीलोफर कैफे के मालिक बाबूराव की सफलता की कहानी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।